Assalamu alaikum. सही हो गई अब शुमाइल, आवाज सही आ रही है मेरी। आवाज सही आ रही शुमाइल, आवाज सही आ रही है मेरी। चलें हम स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे हम करते रहेंगे, ठीक है। आज बेसिकली हम कर रहे हैं 2011 कर रहे हैं, ठीक है, 2011 कर रहे हैं, और डाओ का पेपर है ये, और हम बात कर रहे हैं 2011। अच्छा, कुछ के पास डाओ ग्रेड्स है, ठीक है। डाओ ग्रेड्स की अगर हम बात करते हैं तो डाओ ग्रेड्स के अंदर कुछ पेपर्स ऐसे ऐड किए गए हुए हैं जो रियल पेपर नहीं है उसमें, यानी होता ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज वाले पहले शोर की आवाज़ आ रही है शुमाइला, फैन ऑन हो गया। अब ज्यादा शोर है, बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं तो उस पास पेपर्स में कुछ, यानी डाउ ग्रेड्स वगैरह के पेपर जो होते हैं उनमें कुछ पेपर ऐसे हैं जो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल से मुराद ये है कि उन उस बुक के अंदर उन्होंने कुछ अपनी तरफ से भी ऐड किए हुए पेपर कुछ, क्योंकि होता ये है कि पास पेपर पेपर जब हो जाता है तो पेपर लीक नहीं किया जाता, यानी यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं आता था उस वक्त। जैसे पिछले साल भी बच्चों को नहीं दिया गया था पेपर, वापस से ले लिए गए थे, तो उस वक्त भी कुछ ऐसे थे। तो ये पेपर जो है जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये रियल पेपर्स हैं, ये मैंने बड़ी मुश्किल से जतन जतोजहद करके पेपर ढूंढ के निकाले हैं, और इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, आप मेरे साथ सॉल्व करें। अगर कोई मसला आता है तो बिल्कुल हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारा सबसे पहला जो एमसीक्यूज है हम 2011 कर रहे हैं, डाओ का 2011, ठीक है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला जो है दैट विल बी अ वाइट ब्लड सेल pick up foreign body from the blood stream in example of
यानी अगर हम बात करते हैं कि वाइट ब्लड सेल पिक करते हैं किसको, फॉरेन बॉडी को, ठीक है। फॉरेन बॉडी को क्या होती है, हमारे पास जो बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी ऐसी ऐसी बॉडी जो हमारी बॉडी का पार्ट ना हो, जो ऐसे ऐसा पार्टिकल जो हमारी बॉडी का पार्ट ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है, दैट विल बी नोन एज फॉरेन बॉडी। ठीक है, क्या हुआ, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर है, उसको पिक करेंगे वाइट ब्लड सेल की कौन सी टाइप, पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन ए लिखा हुआ है पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन बी लिखा हुआ है एक्सोसाइटोसिस, ऑप्शन सी लिखा हुआ है फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन डी लिखा हुआ है ऑस्मोसिस, और ई लिखा हुआ है नन ऑफ दिस। तो वाइट ब्लड सेल की यहाँ पर दो टाइप लिखी है, अगर एक ही टाइप लिखी भी है, पिनोसाइटोसिस की अगर बात करते हैं तो ये एक प्रोसेस है, कंडीशन है, एक्सोसाइटोसिस भी एक कंडीशन है, फैगोसाइटोसिस भी एक कंडीशन है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस भी एक कंडीशन है, ठीक है। लेकिन हमें पता है वाइट ब्लड सेल में जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, द राइट आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर, ठीक हो गया, जिसका नाम जो क्या है हमारे पास, फैगोसाइटोसिस। और ये आपको जो आया हुआ है, ये आया हुआ है आपका सवाल चैप्टर नंबर 14, यानी अगर हम बात करते हैं सिंध की, तो सिंध के बुक के चैप्टर नंबर 14 की, चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर, यानी इम्यून सिस्टम से, अपना ट्रांसपोर्ट और इम्यून सिस्टम से ये सवाल आया हुआ है, टॉपिक जो है हमारा वो इम्यून सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, एब्रो वायरस क्या कॉज करता है ये बताना है हमारे पास, एंसेफेलाइटिस करवाता है, येलो फीवर करवाता है, डेंगी कराता है, यानी ये डिजीज लिखी है, इन डिजीज में से कौन सी डिजीज करवाता है वो हमने बतानी है। तो यहाँ पे हमें पता है येलो फीवर एंड डेंगी, ठीक है, एंसेफेलाइटिस नहीं करवाता वो। तो राइट आंसर जो होगा आपका इसमें देख लें कौन सा है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है दैट विल बी वन ओनली वन, ऑप्शन बी लिखा हुआ है डेंगी भी करवाता है बेटा मशर, अच्छा येलो फीवर एंड डेंगी, ठीक है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है अपना, ऑप्शन ए लिखा हुआ है ओनली वन ओनली, ऑप्शन बी लिखा हुआ है टू एंड थ्री ओनली, ऑप्शन सी लिखा हुआ है वन एंड थ्री ओनली, ऑप्शन डी लिखा हुआ है वन एंड टू। ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे वन टू थ्री जो लिखे हैं ना, ये डिजीज बतानी है कि इसमें से कौन सी डिजीज करवाता है। तो हमें पता है वन और थ्री करवाता है, तो ऑप्शन टू और थ्री करवाता है, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीयू, ये एमसीयू कहाँ से आया था, ये आया था वायरस वाले टॉपिक से, चैप्टर नंबर फाइव वायरस की टाइप ऑफ वायरस फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर के टॉपिक में से आया हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीयू है, वो एमसीयू है आप हमारा द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन इज, बैक्टीरिया के अंदर सबसे कॉमन जो रिप्रोडक्शन टाइप है वो कौन सी है, ऑप्शन ए फ्यूजन, ऑप्शन डी ट्रांसडक्शन, ऑप्शन सी एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ऑप्शन डी कंजुगेशन, ऑप्शन ई ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें पता है ट्रांसफ्यूजन, यानी अगर हम फ्यूजन की बात करते हैं, फ्यूजन हमारे पास क्या है, कॉमन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हमारे पास ये जो आया हुआ है चैप्टर सिक्स से आया हुआ है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये चैप्टर सिक्स से किसका, बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया वाला चैप्टर है ये, और ये आपका आया हुआ है अब किंगडम मनेरा टॉपिक बैक्टीरिया, और ये आया हुआ है आपका फर्स्ट ईयर से, ठीक है, यानी अभी तीन तक तीनों की तीनों एमसीक्यू जो आई हुई वो किससे आई है, फर्स्ट ईयर से। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ प्रोटिस्ट फाइला इज, यानी जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंदर कितने फाइला मौजूद हैं। तो हमारे को पता है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास तीन फाइला है, किनके, एनिमल लाइक प्रोटोपोडस, प्लांट लाइक प्रोटोपोडस और फंजाई लाइक प्रोटोपोडस। तो हमारे पास कितने फाइला है, तीन। तो नंबर ऑफ फाइला कितने हैं, तीन। तो ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी ऑप्शन बी थ्री, ऑप्शन सी फाइव, ऑप्शन डी थ्री सेवन, ऑप्शन ई नाइन। तो और राइट ऑप्शन कौन से, ऑप्शन बी। ये आया आपके चैप्टर नंबर सेवन फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर सेवन में से आया हुआ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद जब हम अगर बात करें तो हमारे पास जो है नेक्स्ट जो एमसीयू है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोनिंग, कि भाई यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एग्जांपल की इसमें क्लोनिंग कौन कौन सी है। ऑप्शन ए वन लिखा हुआ है हमारे पास, ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ वन लिखा हुआ है आइडेंटिकल ट्विन्स इन ह्यूमन। फिर लिखा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और थ्री लिखा हुआ है ट्यूमर, और ऑप्शन डी। अब ये तीनों चीजें दी हुई है, अब इसमें से बताना है कि कौन सी हमारे पास
टाइप ऑफ क्लोनिंग है। ऑप्शन ए वन ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ ट्विंस इज अ एग्जांपल ऑफ आइडेंटिकल यानी क्लोनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस कह सकते हैं कि एग्जांपल है क्लोनिंग की। उसके बाद लिखा है बी में लिखा टू एंड थ्री, यानी ए से जो रिप्रोडक्शन और ट्यूमर इज एग्जांपल ऑफ क्लोनिंग। ऑप्शन सी लिखा है वन एंड थ्री, यानी आइडेंटिकल ट्विंस एंड ट्यूमर इज अ एग्जांपल ऑफ क्लोनिंग। उसके बाद लिखा हुआ है ऑप्शन डी वन एंड टू, यानी आइडेंटिकल ट्विंस एंड ए से जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज एग्जांपल ऑफ क्लोनिंग। और ऑप्शन ई लिखा हुआ है वन टू एंड थ्री, यानी आइडेंटिकल ट्विंस ए से जो रिप्रोडक्शन और ट्यूमर, ये तीनों के तीनों क्या है इज अ टाइप ऑफ क्लोनिंग है। तो हमारे पास ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आया हुआ है आपका कहाँ से, ये आया हुआ है चैप्टर नंबर वन से। ठीक है, चैप्टर नंबर वन से भी कह सकते हैं, या फिर हम सेकंड ईयर अगर हम बात सिंपली वे में देखें तो चैप्टर नंबर सेकंड ईयर चैप्टर नंबर फोर रिप्रोडक्शन के अंदर से भी ये सवाल आया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो एमसीक्यू है हमारा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा कुछ ऐसा है कि यहाँ एक एग्जाम दिया हुआ है, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, यहाँ एक एग्जाम दिया हुआ है दैट इज अ होलो एग्जाम। ये जो आपके पास है होलो एग्जाम कंसिस्ट ऑन, ये वर्ड जो है दैट इज होलो एग्जाम कंसिस्ट ऑन, एग्जाम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑप्शन ए लिखा हुआ है एपो एग्जाम एंड फॉस्फेटिक ग्रुप, बी लिखा हुआ है प्रो एग्जाम एंड फॉस्फेटिक ग्रुप, सी लिखा हुआ है को एग्जाम एंड फॉस्फेटिक ग्रुप, डी लिखा है प्रो एग्जाम एंड ओपो ग्रुप, और ई लिखा हुआ है ओपो एग्जाम एंड को एग्जाम। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और ये आया हुआ है आपका चैप्टर नंबर थ्री से, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर थ्री। ठीक हो गया, नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो क्या है, एक्सेस वाटर इज फोर्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स थ्रू, यानी ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो वाटर आउट होता है, एक्सेस वाटर जो होता है वो आउट होता है कहां से, वो आउट होता है हमें पता है दिया वर आउट फ्रॉम दिस हाइड्रोथ्रोट्स में कहां से, हाइड्रोथ्रोट्स में कहां से, दे विल बी एक्सीड आउट फ्रॉम अ इन अ फॉर्म वाटर, कहां से हाइड्रोथ्रोट, और ये हाइड्रोथ्रोट्स प्रेजेंट होते हैं कहां पे, आपके स्टैम्प में। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन है इज अ सी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए क्या था स्टोमेटा, ऑप्शन बी क्यूटिकल, ऑप्शन सी हाइड्रोथ्रोट्स, ऑप्शन डी लेंटिकल्स, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दिस। तो हमें पता है हाइड्रोथ्रोट्स इज द ओनली द वे वेयर द ड्रॉपलेट्स फॉर्म में क्या होते हैं, हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, वाटर रिमूव हो रहा होता है। ये आपका आया हुआ था फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 14 से। या फिर हम बात करते हैं एक्सिशन की, अगर हम बात करें तो एक्सिशन में भी इसका जिक्र है, यानी सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 एक्सिशन वाले में से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है वो थोड़ा यहाँ पे हम देखते हैं, तो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है, यानी बिल्कुल राइट है। ठीक है, और उसमें आपके पास ऑप्शन ए है एल्डोस्टेरोन इज सीक्रेट बाय एडिनल मेड्यूला, पैराथार्मोन सीक्रेट फ्रॉम अ थायरॉइड ग्लैंड, वैसोपेशन सीक्रेट फ्रॉम अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम नेफ्रॉन। ठीक है, ऑप्शन ई लिखा हुआ है फॉस्फेट, पैराथार्मोन इंक्रीज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन नेफ्रॉन। तो ऐसा, अब हम अगर इसको देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट कर लेते हैं, एल्डोस्टेरोन इज सीक्रेट फ्रॉम अ मेड्यूला, नहीं, कहां से होता है एल्डोस्टेरोन सीक्रेट, एडिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ठीक है, एडिनल कॉर्टेक्स से, तो ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द रॉन्ग। पैराथायरॉइड इज सीक्रेट फ्रॉम अ पैराथायरॉइड हार्मोन इज सीक्रेट फ्रॉम पैराथायरॉइड ग्लैंड नॉट अ थायरॉइड ग्लैंड, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। वैसोप्रेशन इज सीक्रेट फ्रॉम प्रोसीजर ग्लैंड, इसको अगर वैसोप्रेशन की अगर बात करते हैं दूसरा नाम क्या है, एडीएच एंटी डायुरेटिक हार्मोन जो है,
ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो आपको होता है वो सीरियल कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये राइट ऑप्शन है, ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, सी राइट है। और डी की भी राइट कर लेते हैं, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम, नहीं सोडियम, पोटेशियम नहीं होता, सोडियम आयन की रीअब्सॉर्प्शन क्या कर लेते हैं, बढ़ा देता है नेफ्रॉन में। पैराथायराइड इंक्रीज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ नॉट सोडियम, कैल्शियम, करेक्ट स्टेटमेंट जो होना चाहिए था, ठीक, करेक्ट जो ऑप्शन होना चाहिए था वो ये था। अच्छा, उसके बाद आपका ये जो आप एमसीक्यू आया हुआ है ये भी कहाँ से आया, चैप्टर नंबर वन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर वन से आया हुआ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात अगर हम करें तो यहाँ पे क्या है, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी स्केलेटन इज, कितने होती हैं, 206, ऑप्शन ए 207, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 208, ऑप्शन डी 205 और ऑप्शन ई 203। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या है, इज अ बी, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 106। ये आपका आया हुआ है कहाँ से, चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर का टॉपिक है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है लिखा हुआ है, ईच फिलामेंट इज सराउंडेड बाय, ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय, यानी एक जो फिलामेंट है वो कितने फिलामेंट्स, एक मायोसिन फिलामेंट कितने अपना फिलामेंट से, थिन फिलामेंट से क्या होता है, सराउंडेड होता है। ऑप्शन ए 4 थिन फिलामेंट, ऑप्शन बी 6 थिन फिलामेंट, ऑप्शन सी 8 थिन फिलामेंट, ऑप्शन डी 12 थिन फिलामेंट, ऑप्शन ई 14 थिन फिलामेंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6 फिलामेंट। अगर हम बात करते हैं ये एक मायोसिन फिलामेंट है, तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ, एक और पेन देख लेता हूँ, एक और पेन, अगर हम बात करते हैं 6 फिलामेंट से वो क्या होता है, सराउंडेड होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, दो इसके यहाँ होंगे, दो इसके यहाँ होंगे, दो यहाँ होंगे, कितने हुए 4, ठीक है। और इसी तरह हम बात करते हैं तो दो इसके इस तरफ भी होंगे, ठीक है, तो ये तकरीबन 6 फिलामेंट से क्या करा होता है, सराउंड करा होता है। उसके ये आपका जो आया हुआ है, ये एमसीक्यू आया हुआ है आपका चैप्टर नंबर टू सपोर्ट एंड मूवमेंट, और जो है आपका सेकेंड ईयर का टॉप चैप्टर, ठीक है, सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अगर आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, ऑप्शन ए पैंक्रियास, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन डी इज अ थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन ई इज अ पैराथायराइड हार्मोन। तो हमें पता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन यानी लार्जेस्ट ग्लैंड और ग्रेनुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट ग्रेनुलर ऑर्गन कौन सा है आपका, लिवर। ये आपका सवाल आया हुआ चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर से, ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 12 से आया हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आज मैं एंड में एक बहुत अच्छी बात डिस्कस करने वाला हूँ, कि इससे बहुत सारी डाउट्स भी क्लियर होंगे, कि बहुत सारे स्टूडेंट जो लगे होते हैं कि पेपर इधर से आता है, पेपर उधर से आता है, पेपर यहाँ से बन रहा है, पेपर रेड स्पोर्ट से बन रहा है, पेपर इस बुक से बनता है, पेपर ओ लेवल से बनता है। तो मैं एक बहुत अच्छी बात डिस्कस करूँगा, क्योंकि हम काफ़ी सारे पेपर डिस्कस कर चुके हैं ना, तो हम बात फिर डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 82 है, या हमारा हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर बायो का 12 है, तो वो कौन सा है, अ प्रोसेस इन विच इंस्पायरेशन डैश एंड एक्सपायरेशन आर इन्वॉल्व। इंस्पायरेशन में क्या होता है, डैश इन्वॉल्व होता है एंड एक्सपायरेशन में डैश होता है। तो ऑप्शन ए इज द इंटरकोस्टल मसल ओ एंड डायाफ्राम, ठीक है, डायटोल मसल्स एंड डायाफ्राम, ट्रैपेसियस एंड इंटरकोस्टल मसल, बाइसेप एंड ट्राइसेप, ई इज द नन ऑफ दिस। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन, अगर हम बात करें इंस्पायरेशन में क्या क्या होता है, आपके इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और आपका डायाफ्राम इन्वॉल्व होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक हो गया। तो ये आपका चैप्टर नंबर 12, ये कहां से था, ये आपका आया था फर्स्ट ईयर
फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 13 से, ठीक है, फर्स्ट ईयर चैप्टर 13, ठीक है भैया। नेक्स्ट अगर हम जब बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो ये है, ब्लिंकिंग ऑफ आई इज एग्जाम्पल ऑफ ए टैक्सिस, बी रिफ्लेक्स, सी लर्निंग, डी इंसर्ट लर्निंग और डी ई इम्पेंटिंग। इम्पेंटिंग तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी रिफ्लेक्स इज अ राइट ऑप्शन। तो यानी आई ब्लिंकिंग की अगर हम लाइट की बात करते हैं, लाइट आई पे पड़ती है तो क्या होता है, आईज बंद हो जाती हैं, वो रिफ्लेक्शन की वजह से होती हैं। तो ये आपका आया होगा चैप्टर नंबर 3 से सेकंड ईयर, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सेकंड ईयर से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है दैट विल बी पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट हमारा जो सॉरी नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो कौन सा, पार्थिनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है पार्थिनोजेनेसिस, और पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा कि कौन सा क्या होगा, आपको क्या करना होगा, देखो लिखा हुआ है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए लिखा हुआ है पेरेंट वन पेरेंट फीमेल, यानी पार्थिनोजेनेसिस में सिर्फ वन पेरेंट फीमेल चाहिए, ऑप्शन बी है वन पेरेंट मेल, ऑप्शन सी है टू पेरेंट, ऑप्शन डी नो पेरेंट, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस, नन ऑफ अबव, यानी ऊपर वाले सारे ऑप्शन गलत है। पार्थिनोजेनेसिस एक वाहिद ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का जिसमें सिर्फ फीमेल बॉडी चाहिए होती है, तो राइट ऑप्शन क्या है, इज अ राइट ऑप्शन इज अ ए, ए इज द राइट आंसर, पार्थिनोजेनेसिस आपको सिर्फ फीमेल बॉडी चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा, ये आपका आया था, आपका कहाँ से आया था, ये आया था चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर से, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी एमसीक्यूज है वो क्या है, वो हमारी एमसीक्यूज है ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फीमेल, ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फीमेल डिफेक्ट, इसमें से कौन सी ऐसी है जो फीमेल डिफेक्ट है, ठीक है, ऐसी कौन सी डिजीज है फीमेल डिफेक्ट है, ठीक है, हम बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से, माइक्रोसेफेली, पॉलीडेंटाइल, उसके बाद टर्नर सिंड्रोम, कार्पेंटर सिंड्रोम और क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन सी कौन सा होगा इसमें से, क्योंकि माइक्रोसेफेली का स्केलेटन पॉलीडेनिक आपने पढ़ी नहीं है, अगर हम बात करें तो ये बी न्यूट्रिशन के अंदर आती है, क्लेफ्ट पैलेट भी आपका मसल या फिर स्केलेटन के अंदर से आती है। तो जल्दी से बताएं कुछ एमसीक्यू नंबर, एमसीक्यू नंबर 85 कहाँ से आएगा, यानी को क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ये मैंने जानबूझ के लगाया, फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट है ये, कौन सा फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट है, टर्नर या कार्पेंटर, हाँ भाई राबी शमाइला, शमाइला बताएं, शमाइला बताएं, आप बैठी नहीं है, जिंदा है, हैं शमाइला बैठी नहीं है, ये चली गई है, चलें हम बता देते हैं, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, जो आपका टर्नर सिंड्रोम है इज द राइट आंसर, आपका ये आया हुआ है, आपको बेसिकली जेनेटिक्स से आया हुआ है, ये बल्कि चैप्टर नंबर चैप्टर ये जेनेटिक्स से आया हुआ है, इसमें कोई चैप्टर नहीं है, इसमें चैप्टर नंबर हम बात करते हैं तो इसमें इन्होंने चैप्टर नंबर 2 पे भी डिजीज पूछी हुई है, लेकिन ये अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे, एक सेकेंड ईयर का टॉपिक है, वैसे ये सेकेंड ईयर का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो क्या है, एमसीक्यू नंबर 86, वो है क्रोमोसोम नंबर ऑफ ह्यूमन बीन, ह्यूमन बीन में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, लिखा हुआ है 3 पेयर, यानी ऑप्शन ए 1 3 पेयर, ऑप्शन बी 13 पेयर, ऑप्शन डी या ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 33, ऑप्शन ई 43। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, आपके पास जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 23 पेयर्स होते हैं। अच्छा, ये आपका आया हुआ है कहाँ से, ये आपके पास आया हुआ है चैप्टर नंबर 6 से, चैप्टर नंबर 6 सेकंड ईयर से, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा जी, नेक्स्ट आपका जो आया हुआ है, नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो है इन डाउन सिंड्रोम, इन डाउन सिंड्रोम द 21
21st pair of chromosome, यानी 21st pair of chromosome क्या होता है? ऑप्शन ए लैक ऑफ वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम कम होता है. ऑप्शन बी लिखा हुआ है वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अटैचमेंट इज मिस, यानी 21 होता ही नहीं है. उसके बाद लिखा है लैक ऑफ जीन, उनके पास जीन नहीं होते. उसके बाद लिखा हुआ है ई नन ऑफ दिस. तो हमें पता है 21 पेयर के ऊपर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है डाउन सिंड्रोम के अंदर. तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से क्या होता है, वहां पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक्स एक्स वाई या वया एक्स वाई एक्स 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 वाई वाली कंडीशन आ रही होती है, या एक्स 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 वाली कंडीशन आ रही होती है. ठीक है, तो ये ये बात थी. तो ये आपका कहाँ से आया था, ये अगेन आपके पास कहाँ से आया था, या हम बात करते हैं तो ये आया था आपके चैप्टर नंबर सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 से. चैप्टर 7 ये चैप्टर नंबर 7 से. नेक्स्ट हमारा जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी अकर ड्यूरिंग अ इंटरफेस. इंटरफेस में ऐसी ये कौन सी एक्टिविटी हो रही होती है. वन डीएनए रेप्लिकेशन, टू आरएनए सिंथेसिस, थ्री वॉल्यूम ऑफ सेल रफ डबल, यानी क्या हो रहा होता है, डबल हो रहा होता है. ऑप्शन ए वन, यानी सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है. ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि ऑप्शन बी जो है उसमें थ्री, यानी सिर्फ वॉल्यूम ऑफ साइज क्या हो रहा है, डबल हो रहा है. ऑप्शन सी लिखा है वन एंड थ्री, दोनों वन एंड टू दोनों हो रहे हैं. ऑप्शन डी लिखा हुआ है टू एंड थ्री दोनों हो रहे हैं. और ऑप्शन ई लिखा हुआ है ये तीनों के तीनों दोनों हो रहे हैं. तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, बताओ कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा. आयशा ये आया हुआ कहां से, वैसे ये आया हुआ आपके चैप्टर नंबर 6 से, चैप्टर नंबर 6 सेकंड ईयर. सिर्फ 3 और मशल शुमाइला, बताओ कौन सा होगा. बेटा अब मैं बता रहा हूँ कि तीनों के तीनों ठीक होंगे. यानी अगर हम बात करते हैं इंटरफेस के अंदर, तो इंटरफेस में आपके पास डीएनए भी डबल हो जाए होगा, डुप्लीकेशन होगी डीएनए की भी, आरएनए भी सिंथेसिस होगा, आरएनए की सिंथेसिस भी होगी. और अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ आरएनए की सिंथेसिस क्यों होगी, बताओ. आरएनए की सिंथेसिस इसलिए होगी, आरएनए की इसलिए सिंथेसिस होगी कि आपको पता है कि एंजाइम नीड होंगे ना, एंजाइम्स की नीड होती है डिवीजन ऑफ सेल में. तो एंजाइम्स कैसे बनेंगे, जब आरएनए फॉर्म हुआ होगा. अगर आरएनए होगा नहीं तो तीनों होंगे, ठीक है, वन भी होगा, टू भी होगा और थ्री भी होगा. यानी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर. डीएनए रेप्लिकेशन भी, रिप्लिकेशन भी होगी, आरएनए की सिंथेसिस भी होगी और वॉल्यूम भी डबल होगा. ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं. ये आपका कहाँ से आया था, चैप्टर नंबर 6 सेकंड ईयर से आया हुआ था. नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू थोड़ा सा मिटा हुआ है, हम इसको देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है. वो ये लिखा हुआ है कि डार्विन परफॉर्म हिज फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ हेरिडिटरी. किसके ऊपर भाई, डार्विन ने जो आपके जो अपने जो परफॉर्मेंस कर रहे थे डार्विन ने, सही है, ग्रीगन जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे वो किस पे किए थे, अपने हेरिडिटरी एक्सपेरिमेंट. मेस प्लांट, ठीक है, बीन प्लांट, गार्डन पी, मरबेरियस प्लांट या वीट प्लांट. तो हमें पता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर के गार्डन पी के ऊपर किए थे. तो यहाँ ये आया चैप्टर नंबर 8 से सवाल, चैप्टर 8 सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 8 से सवाल आया हुआ है. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो लिखा हुआ है, अ मैन हु इज नॉर्मल कलर विजन मैरिड विद अ नॉर्मल हेटरोजाइगस वुमन. हेटरोजाइगस मतलब यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पे आपके पास क्या होगा,
यहाँ पर आपके पास क्या होगा, बेसिकली हेटरोजाइगस का मतलब क्या होगा कि वुमेन जो है उसके वो कलर ब्लाइंडनेस कैरियर है, ठीक है, वो क्या है, कलर ब्लाइंडनेस कैरियर है. तो व्हाट इज द चांस ऑफ सन बीइंग अ कलर ब्लाइंड, यानी कलर ब्लाइंड पर्सन, यानी सन के पास कितने परसेंट चांस है कि वो कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है, कलर ब्लाइंड होगा. तो आपको पता है कि सिंग एक एक्स यानी एक एक्स नॉर्मल है और एक्स क्या है आपके पास, ये फादर नॉर्मल है, फादर क्या है, नॉर्मल है, फादर के पास नॉर्मल है. अब मदर की अगर बात करते हैं तो मदर के पास, फादर के पास हमेशा क्या आएगा, वाई, सन की बात हुई है यहाँ पे, सन की जब बात हुई है तो या तो वो ऐसा होगा यानी नॉर्मल वाई, या फिर होगा क्या, तो कितने परसेंट होगा, 50-50, यानी क्या हुआ चांस 50-50. तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए है 0%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 75%, ऑप्शन ई 100%. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये आया हुआ है आपके चैप्टर नंबर 8 से सेकंड ईयर, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 सेकंड ईयर से, ठीक है. यहाँ पर हमारे क्या हुआ है, 90 MCQs क्या हुआ है, पूरे हुआ है, यानी 20 MCQs हमने कर लिए हैं. अब नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो हमारा MCQs है वो है कुछ ये, क्या है, द एंजाइम यूज टू सील रिस्टिक एंजाइम एंड डीएनए रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रेगमेंट, ये आपका आया हुआ है चैप्टर नंबर नाइन सेकेंड ईयर से. ऐसा कौन सा एग्जाम है जो क्या होता है, जो डीएनए फ्रेगमेंट, हम डीएनए आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की जो बना रहे होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए, उसमें हम जो डीएनए को वापस ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है, लाइगेज एंजाइम यूज हो रहा होता है, ठीक है, लाइगेज एंजाइम क्या हो रहा होता है. तो हमारे पास ऑप्शन ए है लाइगेज एंजाइम, ऑप्शन बी है पॉलीमरेज, ऑप्शन सी है एडेनोसिन डाइमरेज, ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन, अगर देखा जाए तो ये एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ऑप्शन ई देखा जाए तो दैट विल बी ऑल ऑफ दिस. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये आया था सेकंड ईयर से चैप्टर नंबर 9 से. नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज है वो क्या है आपके पास, वो थोड़ा सा बड़ा है, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स अबाउट द डार्विन थ्योरी. देखो ये वाला एमसीक्यूज वापस से रिपीट हो रहा है, ये पहले आया था किसी पेपर के अंदर, हमने बात की थी 2013 में आया था, ठीक है. माय जीमेल कौन है बेटा, ये माय जीमेल कौन है, ये डी किसकी किसकी बात कर रहे हो आप, डी कौन सा डी, डी तो यहां पे अभी तक कोई भी हमारा नहीं था, ऑप्शन डी अभी तक तो कोई भी नहीं था. हम यहाँ बात करें तो हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन 92 है एमसीक्यू नंबर, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स बेस्ड ऑन द डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है. ऑप्शन ए लिखा हुआ है नेचुरल सिलेक्शन इज ड्राइविंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट था. उसके बाद लिखा हुआ है बी फेवरेबल जेनेटिक वेरिएशन बिकम मोर एंड मोर कॉमन इंडिविजुअल थ्रू आ देयर लीव्स, यानी वो जितनी भी उनकी जिंदगी होंगी, जो जितने साल जाएंगे फेवरेबल कंडीशन जो जेनेटिकल चेंज होंगे वो क्या होते रहेंगे, ठीक होते रहेंगे. ये उसका पॉइंट नहीं था, ये क्या था, ये आपका वर्सन का पॉइंट था. उसके बाद हम बात किया दीज आर ऑलवेज ट्रेंडिंग्स ओवर प्रोडक्शन, ये इसका पॉइंट था. ऑल इंडिविजुअल ऑफ स्पीशी हैव 100% अलाइक, बिल्कुल ये भी था. नन ऑफ अबव तो इसमें है नहीं. तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, के ऑप्शन बी जो है ये इसका पॉइंट नहीं था एवोल्यूशन के हवाले से डार्विन का, अदरवाइज बाकी सारे के सारे जो थे वो किसके थे, पॉइंट डार्विन के पॉइंट थे. ये आपको चैप्टर नंबर 10 से आया हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 10. उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर एक्सेप्ट, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर घास के ऊपर, इज अ प्राइमरी कंज्यूमर फ्रॉग इज अ टर्शियरी कंज्यूमर. कैसे, अगर हम बात करते हैं फ्रॉग किसको खाता है, ग्रास ऊपर को खाता है, और ग्रास ऊपर किसको खाता है, घास को या फिर लार्वा को, ठीक है. तो ये क्या है, प्राइमरी ये हो गया प्रोड्यूसर प्राइमरी, फिर क्या है ये आ गया फ्रॉग आपका टर्शियरी, शीप इज अ अगेन टर्शियरी,
और हम काओ की बात करें, काओ भी क्या है, टर्शरी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रैबिट की, तो रैबिट भी क्या है, टर्शरी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट ये आपका आया हुआ था किससे, ये आया था चैप्टर नंबर 11 से, चैप्टर नंबर 11 सेकंड ईयर। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है कि द सी ब्लो 2000 मीटर इज कॉल्ड, क्या होता है एप्सिलॉन जोन, एप्सिलॉन जोन क्या आता है, तो हमारे पास जो ऑप्शन सी जो है इज द राइट ऑप्शन, बाकी अगर हम देखते हैं जटाइकल जोन एंड ये नहीं होता, तो बेसिकली आया हुआ चैप्टर नंबर सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 से, चैप्टर नंबर 12 नंबर 12 से आया, ठीक हो गया। ये ऑप्शन सी का जो यानी 2000 मीटर डेप्थ में जाने के बाद जो आपका जोन बुलाता है वो कौन सा जोन बुलाता है, डेप्थ साइलेंट जोन। उसके बाद लास्ट हमारे जो एमसीक्यूज हैं, कुछ 5 MCQs रह गए, ठीक है, 5 MCQs रह गए हैं। तो हमारे पास 5 है, वो लिखा हुआ है मशरूम बिलोंग टू, मशरूम कौन से उससे बिलोंग करता है, ठीक है, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा या ईस्ट। नंबर एमसीक्यू नंबर 95 ये आया हुआ आपका चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर से, चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर। और ये क्या है आपके पास, अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, बेसिडियोमाइकोटा इज अ एग्जाम मशरूम बिलोंग टू फाइलम, अपना अगर हम बात करते हैं फाइलम बेसिडियोमाइकोटा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो अगर हम बात करते हैं लिख नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है आपका बॉटनिकल नेम, टच मी नॉट का बॉटनिकल नेम बताना है, तो हमें पता है मेमोसाइपेंडिका जो होता है, दैट इज द नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ ये आया चैप्टर नंबर 9 से फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यू है वो लिखा है बैट इज अ मेमल, ठीक है, बैट क्या है, ऑप्शन ए बर्ड, ऑप्शन सी इंसेक, ऑप्शन सी मेमल, ऑप्शन डी रेप्टाइल, ऑप्शन ई एम्फीबिया। तो हमें पता है बैट इज अ मेमल, बैट ऐसा एनिमल है जो क्या है, मेमल है, जो दूध भी देता है और बच्चे भी पैदा करता है, एंड सो ऑन। ये आया हुआ है आपका किससे, ये आया हुआ है आपका नॉर्मल चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर से, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं, तो लास्ट सेकंड थर्ड लास्ट जो ऑप्शन है एमसीक्यूज है वो क्या है आपका, एनिलिडा आर, एनिलिडा कैसे होते हैं, आज ही पढ़ा है, ठीक है, आज ही हमने क्लासिफिकेशन करी थी ना जब लाइव क्लास में ले रहे थे, तो ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट, हेमी सिलोमेट, सिलोमेट और नन ऑफ अबव, कौन सा होता है एनिलिडा, कैसा होता है, सिलोमेट होता है, ए सिलोमेट होता है या सूडो सिलोमेट होता है, बॉडी कैविटी के लिहाज से। तो हम मैं बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो एनिलिडा है दे आर सीलोमेट, एनिलिडा किस में आता है, सीलोमेट एनिमल्स में आता है, ठीक है, एनिलिडा बिलोंग टू द सीलोमेट एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है अगर हम बात, ये आया था आपका चैप्टर नंबर 10 से अगेन, चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर। उसके बाद हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, 99 MCQs है। आयशा मौजूद है यहाँ पे, आयशा मौजूद हो, आयशा मौजूद है ना, आयशा हारून, कौन कौन मौजूद है जरा मेरे को मैसेज करके नाम बताए अपना, पता चले मेरे कौन कौन मौजूद है क्लास का। पांच स्टूडेंट बैठे हैं, मैं कौन कौन से के एमसीक्यू नंबर, पायरवेट प्लस वाटर प्लस फाइव कैरियर सही है, फाइव कैरियर मतलब, और लिखा हुआ है कन्वर्ट हो रहा है 3 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5 कैरियर हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो दैट पायरवेट कन्वर्ट इनटू अ 5 कैरियर मॉलिक्यूल, दैट इज अ कार्बो, यानी अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्मेंटेशन में क्या होती है, कि आप फर्मेंटेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कोई भी चीज़ बर्न हो रही होती है,
या फिर लैक्टिक एसिड या वो फॉर्मर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं टीसीए साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलो एसिटेट साइकिल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं पाइरूवेट कन्वर्ट होता है 5-carbene मॉलिक्यूल में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी ये जो पोटाश यहाँ जो यानी ये जो हाइड्रोजन बन रहे हैं तो ये वहाँ पे यूटिलाइज हो रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं हो सकती, नन ऑफ अबव हो नहीं सकता। उसके बाद हमारे पास ये तो तीन हो गए, बाकी दो कौन कौन है, हुरैन बैठी हुई है, हूर बैठी हुई है, सामने आ जाए जरा हूर अगर बैठी हुई है। तो ये आपका आया हुआ है चैप्टर नंबर 11 से, ये चैप्टर नंबर 11 से आया था और फर्स्ट ईयर। उसके बाद आपके पास जो लास्ट एमसीयू है वो लास्ट एमसीयू क्या है, दैट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। ये वापस से अगेन रिपीट हुआ है सवाल। तो ऑक्सीजन का हमें मैंने बताया था कि अगर हम बात करते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जब भी वाटर लाइट स्ट्राइक करती है फोटोसिंथेसिस में तो क्या ब्रेक होता है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है किसमें, हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन आयन्स में और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन मिलती है फोटोसिंथेसिस में वो कौन सी होती है, वाटर मॉलिक्यूल की होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की नहीं होती। तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एटीपी, ऑप्शन डी H2O, ऑप्शन ई NADPH2। तो ये आया हुआ था आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और ये आया था आपके चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 से और कौन से फर्स्ट ईयर। अच्छा बात ये थी कि हमने लास्ट में मैंने बोला था कि मैं बात करूंगा एक, और ये जो बात वो बात ये थी कि बात वो ये थी कि हमारे पास, देखो ये मेरा नाम लिखा हुआ है इतना बड़ा, ये हमारे पास जो जितने भी हमने पेपर सॉल्व किए, हमने जितने भी पेपर सॉल्व किए, तो अब देखो ये हमारे पास एक ये भी पेपर है, ये इसको भी करेंगे इंशाल्लाह। 2013 का पेपर है ये, लम्स का पेपर है ये 2013 का, बायो ही खुला है, इत्तेफाकन बायो ही खुला है। अच्छा हमने जितने भी पेपर सॉल्व किए, बच्चे काफ़ी ज़्यादा एम कैट को लेके कंफ्यूज होते हैं कि सर पेपर डाउ कहाँ से बनता है, रेड स्पोर्ट से आती हैं एमसीक्यूज, ए लेवल से आती हैं एमसीक्यूज, कहाँ से आती हैं, हम कौन सी बुक्स लें। तो मैंने उन सबको बार बार कहा था कि बेटा आपने सिर्फ एक बुक को फॉलो करना है, वो कौन सी है, सिंध टेक्स्ट बुक जाम शोरो, ठीक है, सिंध टेक्स्ट बुक जाम शोरो को फॉलो करना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, सारे आपके एमसीक्यूज वहीं से होती हैं, ठीक है। देखो पहले जो टेस्ट होता था ना, पहले की अगर हम बात करते हैं 2017-18 से पहले की, तो सब यूनिवर्सिटीज के अलग अलग टेस्ट होते थे, लेकिन 2017 के बाद से जो हो रहा है सब यूनिवर्सिटी का एक ही टेस्ट होता है, एक ही डेट पे एक ही टेस्ट होता है, ठीक है, एक ही फॉर्म आता है, उसी फॉर्म के अंदर आपने सारे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती है, सब कुछ एक ही होता है। और लास्ट ईयर तो ऐसा था कि प्राइवेट कॉलेजेस का भी एक ही फॉर्म आया था, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये थी कि सर हम पेपर कहाँ से करेंगे, डाउ ग्रेड से पेपर आते हैं, यूं अपना उसे वो रेड स्पोर्ट्स एमसीक्यूज आते हैं, यूं है ये है, रेड स्पोर्ट के एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं सर, ये करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पास पेपर जितने भी अभी तक हमने किए हैं, तो मुझे एक बात बताएं, कोई ऐसा एमसीक्यूज आपने देखा हो जो हमने सॉल्व किया हो और आया हो कहाँ से, रेड स्पोर्ट से आ गया, नहीं, हमने अभी तक जितने 5-6 पेपर कर लिए, तो क्या आप में से किसी एक ने भी देखा है कि मैंने ये नहीं बताया हो कि ये हमारी बुक का नहीं है, ये हमारी बुक के अंदर से नहीं आया, नहीं ना शुमाइला, आप तो कंटिन्यू हर पास पेपर के अंदर हैं, कभी आप मैंने ये बोला है कि ये हमारे चैप्टर का नहीं है, ये हमारे सेकेंड ईयर का नहीं है, ये हमारे फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आपके जो भी पेपर बनेगा वो आपकी बुक से ही बनेगा, ठीक है, आपकी बुक बेस्ट है, आपकी बुक ही के अंदर से पेपर बनेगा, अगर बुक से बाहर जाता है पेपर तो यू हैव गेट अ बोनस मार्क्स, ठीक है, आपको वो बोनस नंबर मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में जब वो है नहीं चीज, एक चीज जब आपने पढ़ी नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, तो आप कैसे उसका आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इसलिए अगेन मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले
क्वालिटी रीडिंग करनी है किसको, सिंटैक्स बुक जाम शोरों को, ठीक है, सिंटैक्स बुक जाम शोरों को, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है और वहीं से आपका पेपर बनेगा, ठीक है। इंशाल्लाह कल यानी नेक्स्ट, कल या फिर नेक्स्ट जो भी हमारा ये जब भी हम फ्री होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे कोई और न्यू पेपर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग।